प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। रीट मुख्य परीक्षा यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है और कुछ विद्यार्थी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, मेरी ये सलाह है उन विद्यार्थियों को जो परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं कि आपने अपना कर्म कर दिया, अब कर्म फल को सरस्वती मैया पर छोड़ दें और आगे की तैयारी में जुट जाएं। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड हैं तो ग्रेड फर्स्ट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। लगातार मेरे पास विद्यार्थियों के फोन कॉल्स आ रहे थे, संदेश आ रहे थे कि सर ग्रेड फर्स्ट का बैच शुरू कीजिए। तो ग्रेड फर्स्ट यानी कि प्राध्यापक, जिसे प्रचलित भाषा में व्याख्याता स्कूल शिक्षा कहकर संबोधित किया जाता है, उसका बैच हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं और उसी के संदर्भ में तमाम जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हूं। आप ग्रेड फर्स्ट के पैटर्न से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इसमें एक तो प्रथम प्रश्न पत्र होता है और दूसरा विषय का पेपर आयोजित करवाया जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र को अगर हम जीके और जीएस का पेपर कहें तो शायद कोई अत्युक्ति नहीं होगी। और द्वितीय प्रश्न पत्र संबंधित विषय का है और इस बार आश्रम में हम लोग 5 विषयों को आरंभ करने जा रहे हैं। ये विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान। सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र पर बात करते हैं। देखिए, यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी इन 5 पेपर्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है और वो प्रथम प्रश्न पत्र को आश्रम के माध्यम से तैयार करना चाहता है तो वो प्रथम प्रश्न पत्र में प्रवेश ले सकता है। लेकिन यहां पर एक और जानकारी भी है कि यदि आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको अपना द्वितीय प्रश्न पत्र चूज करना है और प्रथम प्रश्न पत्र आपको ऑटोमेटिक ही आश्रम से उपलब्ध हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि आपको यदि आप इन 5 विषयों पर काम कर रहे हैं, पृथक से प्रथम प्रश्न पत्र में प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं है। खासकर हमारे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कई बार ये गलती कर देते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब बात करेंगे कि ये बैच कब से आरंभ करने जा रहे हैं तो इस बैच का शुभारंभ होगा 14 मार्च 2023 मंगलवार से और बैच को संपन्न करेंगे हम 30 जुलाई 2023 रविवार को। आश्रम का पैटर्न, आश्रम की कार्य योजना, आश्रम की प्रणाली अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आश्रम में जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा प्रवेश लेता है, हम उसे एक शेड्यूल उपलब्ध करवाते हैं जो कि आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में जाकर आप देख सकते हैं। दरअसल ये शेड्यूल आश्रम की कार्य योजना है। इस शेड्यूल के अंदर ये वर्णित रहता है कि आपको किन किताबों से पढ़ना है और किस पृष्ठ संख्या से पढ़ना है। सारी की सारी चीजें इस शेड्यूल में वर्णित रहती हैं। बस विद्यार्थी को सफलता के लिए इस शेड्यूल पर ही कंसंट्रेट करना है। हर शेड्यूल 14 दिवसीय होता है और इस 14 दिवसीय शेड्यूल में 14वें दिन हम बड़ा पेपर आयोजित करते हैं। अब आपका जो बड़ा पेपर आयोजित किया जाएगा तो वो फर्स्ट पेपर अलग से आयोजित किया जाएगा और सब्जेक्ट का पेपर अलग से आयोजित किया जाएगा। यानी कि बड़े पेपर का आशय है कि 2 पेपर आपके लिए जाएंगे। अब ये शेड्यूल आपके पास है, आपको पता है कि आपको किन पुस्तकों से पढ़ना है। इस शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट होंगे। पहले
छह छोटे टेस्ट होंगे और फिर 14वें दिन बड़ा टेस्ट होगा। जो जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन में प्रवेश लिया है वो ऑनलाइन में टेस्ट देंगे और ऑफलाइन वाले विद्यार्थी ऑफलाइन में टेस्ट देंगे। अब इस शेड्यूल के आधार पर आप तैयारी करेंगे। ऑनलाइन विद्यार्थियों को हम रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध करवाएंगे और ऑफलाइन के विद्यार्थियों का परंपरागत कक्षा कक्ष शिक्षण होगा। कुल मिलाकर 9 शेड्यूल्स में हम लोग तमाम पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे, यानी कि पेपर फर्स्ट के भी और पेपर सेकंड के भी। पहला बड़ा शेड्यूल्ड पेपर जो है वो 2 अप्रैल को होगा, दूसरा 16 अप्रैल को, तीसरा 30 अप्रैल को, चौथा 14 मई को, पांचवा 28 मई को, छठा 11 जून को, सातवां 25 जून को, आठवां 9 जुलाई को और नौवां 23 जुलाई को। इसके साथ ही आपका तमाम पाठ्यक्रम जो है वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद बारी आएगी बड़े पेपर्स की, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के होंगे। इनमें पहला बड़ा पेपर 26 जुलाई को, दूसरा 28 जुलाई को और तीसरा 30 जुलाई को आयोजित करवाया जाएगा। इस प्रकार से कुल 45 तो छोटे शेड्यूल्ड पेपर आपके लिए जाएंगे और 9 बड़े शेड्यूल्ड पेपर्स आपके लिए जाएंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 3 बड़े पेपर होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो भी बच्चा बड़ा पेपर देगा बाकायदा उसकी रैंक जारी की जाएगी। ये बात आपको नोट कर लेनी है। रैंक के माध्यम से बच्चे को यह पता लगता है कि वो कहां पर स्टैंड कर रहा है। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी हमारे ग्रेड फर्स्ट के बैच के बारे में। तो मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करें, यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करें। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोज और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोज की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहां एक चीज मैं आपको बता दूं,
यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग, प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाई ओर मेन्यू बार पर क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 015-09-222-300, 75-970-20-996, 75-970-20-994 और 74-268-37-287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97-72-99-000-4 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।